तो हमारे कंप्यूटर और मोबाइल में इतना सारा डेटा डाला हुआ होता है मैं इंटरनेट वाला कनेक्शन वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो आपको पर डे या फिर पर मंथ आपको जी या फिर एम में देखने को मिलता है यहाँ पर मैं फाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ चाहे वो म्यूज़िक फाइल हो वीडियो फाइल हो एम्पी फाइल हो या फिर स्टडी मटेरियल हो या फिर आपने कोई कोडिंग वगैरह करी हो उसकी कोई फाइल्स वगैरह पढ़ी हो जो भी आपका मटेरियल आपके फ़ोन कंप्यूटर में डला हुआ है जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज कंज्यूम हो रही ओरिया उस डेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेटा एंड एल्गोरिथम यूनिट का नाम है और इस यूनिट को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और और इसके इसके बारे में 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 बात करेंगे करेंगे पूरी पूरी एक वीडियो में इस इस यूनिट यूनिट को को कवर साथ पीडीएफ नोट्स भी वाला हूं जो कि आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो और इस को हम करने वाले हैं के के सिलेबस अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, आ, कोई टीचर या फिर प्रोफेसर नहीं हो यहाँ पर आप जैसा ही हो आपका दोस्त या फिर आपका क्लासमेट या फिर जो भी आपका बड़ा भाई वगैरह समझ सकते हो और साथ मिलके पढ़ते हैं इस यूनिट सबसे पहले इस यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या हमें देखना है सबसे पहले तो हम हिस्ट्री देखेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी नफरत है इस वर्ड से लेकिन फिर भी हम मिल पढ़ेंगे क्योंकि भाई आपको भी पढ़ना है साथ में मेरे तो यहाँ पर आपको फिर देखेंगे डेटा स्टोरेज क्या है क्या उसकी डेटा की इंपॉर्टेंस है डेटा एक्विजिशन क्या होता है और डेटा प्रोसेसिंग की क्या क्या स्टेजेस होती है डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है रिग्रेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है क्लस्टरिंग क्या होता है रिकमेंडर सिस्टम क्या होता है ये सभी हम मिलकर देखने वाले हैं डेटा का मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दे चुका हूं और यहाँ पर सबसे पहले हम यही देखने वाले डेटा क्या है इसके क्या टाइप्स है तो देखो कंप्यूटर में हम जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं मतलब उसको यूज करते हैं या फिर उसको स्टोर करते हैं वो सभी हमारा डेटा है डेटा मतलब आपने जैसे अपने कंप्यूटर में म्यूज़िक फाइल्स को कॉपी करके रख रखा है आपके वीडियो फाइल्स आपके फ़ोटोज़ वगैरह स्टोर करके रख रखे सेव करके कर रख रखे अपने स्टोरेज में और उसको आप फर्दर यूज़ भी कर सकते हो उसको प्रोसीड कर सकते हो तो ये सभी हमारा डेटा है जो भी आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर में स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन जिसका आप जिसकी वजह से आपकी स्टोरेज का कंजप्शन हो रहा है कंज्यूम हो रही है आपकी स्टोरेज भर रही है उसकी वजह से वो सभी हमारा डेटा है अब डेटा देखते हैं क्या क्या टाइप का होता है और उससे पहले ये देखते हैं कि जो डेटा है ना वो हमारा जीरो और वन में स्टोर होता है मतलब ये हमारा बाइनरी में स्टोर होता है अब जो भी हम डेटा कंप्यूटर में स्टोर करते हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होता है और डिजिटल फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है वो हमारी बाइनरी में स्टोर होती है जीरो वन ज़ीरो वन जीरो वन ये आपको पता होगा और उसको हम जो भी हमने डेटा बना रखा है उसको हम स्टोर कर सकते हैं सेव कर सकते हैं उसको एडिट कर सकते हैं क्रिएट वगैरह भी कर सकते हैं अब देखो जो भी हमारा डेटा वो स्ट्रक्चर डेटा भी हो सकता है अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है मतलब जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है वो सब कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होता है और जो अनइंस्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है वो हमारा ऐसे रैंडमली बिखरा हुआ रहता है और उसको एनालाइज़ करना उस डेटा को समझना काफ़ी मुश्किल होता है जैसे कि अभी शायद आपको समझने में मुश्किल हो गई होगी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पर मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लूंगा यहाँ पर कुछ ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स वगैरह का यूज़ ना करते हुए रियल लाइफ uh, में कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ करके इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अब मान लो भाई आप बीटेक में हो और काफ़ी सारे अभी टेस्ट हुए हैं और बीटेक के सभी ब्रांच और सभी ईयर के टेस्ट हुए हैं और फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर सबके अब जो उनके टेस्ट आपने एक पेपर पे दिया था और वो पेपर का बंडल ऐसी रैंडमली सभी ईयर का सभी ब्रांच का एक जगह इकट्ठा करके कर रख दे और निकाले कि भाई साहब इसमें टॉपर कौन है वो निकालो अब भाई रैंडमली सभी पेपर्स को देखना पड़ेगा उसमें से जाकर जो हाइएस्ट नंबर है तब जाकर पता चलेगा अगर किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस में टॉपर कौन है तो भाई इतने सारे पेपर्स है उसको रैंडमली ढूंढना पड़ेगा उसमें से निकाल कर छाटना पड़ेगा कि हाँ ये हमारा टॉपर है तो ये हमारा एक अनइस्ट्रक्चर डेटा हो गया वो ऐसे रैंडमली सब डेटा एक जगह इकट्ठा हुआ ऐसे ही पड़ा था लेकिन अगर उसको हम जो हमारे टेस्ट के पेपर्स हैं उनको कैटेगरी करके रख के, कर के सब कुछ फर्स्ट ईयर का एक जगह बंडल बनाकर रख दिया सेकंड ईयर का एक जगह थर्ड ईयर का एक जगह फोर्थ ईयर का एक जगह बंडल बनाकर रख दिया अब एक जगह बंडल बनाकर रख दिया एक ईयर का अब जैसे फर्स्ट ईयर का एक अलग बंडल रखा उसमें भी हमने अलग अलग पैकेट बना दिए कि कंप्यूटर साइंस का एक अलग पैकेट बनाकर रख दिया उसको एक साथ बांध के रख दिया और मैकेनिकल ब्रांच का अलग से बांध के रख दिया अब भाई अब कोई कहेगा कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर टॉपर निकाल के बताओ टॉपर कौन है तो आराम से हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने वो वाला बंडल सेलेक्ट करा जो कि फर्स्ट ईयर का है फिर उसमें हमने कंप्यूटर साइंस का सेलेक्ट करा इस तरह से हमने कैटेगरी बना रखी थी एक जगह से उसको सब कुछ एक अच्छे फॉर्मेट में रख रखा था तो वो हमारे लिए काफ़ी स्टडी करना उसके डेटा को वो काफ़ी ईजी बन जाएगा चाहे वो टॉपर निकालना हो या फिर मार्क्स लिखने हो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम इजीली उससे गेन कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ वो स्ट्रक्चर्ड और एक अच्छे फॉर्मेट में रखा हुआ है हमारा डेटा तो स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा अनस्ट्रक्चर्ड मैं शायद कुछ फ्लो में अलग बोल रहा था तो बात करते हैं बिग डेटा की बिग डेटा इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है इसका मीनिंग है बिग डेटा मतलब बड़ा डेटा मतलब डेटा डेटा आप समझ गए होंगे मैंने ऊपर बता दिया तो जो काफी बड़ा डेटा हो जाता उसको है उसको बिग डेटा बोलते हैं ये डेटा जो होता है वो काफी ज्यादा बड़े वॉल्यूम में होता है और एक्सपोनेंशियली ये ग्रो होता रहता है मतलब ये डेटा बढ़ता चला जाता है काफी हाई वॉल्यूम में इतना सारा डेटा हो जाता है कि हम इसको मैनेज नहीं कर सकते ट्रेडिशनल जो मेथड है उनको हम यूज नहीं कर सकते अब जैसे टेस्ट वाला बंडल मैंने बताया था अगर आपको करोड़ों में ऐसे टेस्ट लिए गए अब मैं बोलने लगूं कि भाई अलग अलग बंडल बनाओ फिर उनके पैकेट बनाओ इतना सारे टेस्ट पेपर का आप कैसे कर सकते हो काफी सारे करोड़ों में आपके पास पेपर पड़े हुए हैं तो वो काफी मुश्किल हो जाएगा लेकिन हम उसको भी हैंडल कर सकते हैं हम काफी सारे एल्गोरिदम्स का यूज कर सकते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि डेटा एंड एल्गोरिथम है तो वो एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इस बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए अब एलगोरिदम क्या होता है इसके बारे में भी आगे, आगे आपको बताऊंगा क्योंकि आगे इसका टॉपिक है तो फिलहाल बिग डेटा आप समझ गए होंगे क्या होता है अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा डेटा कितने टाइप्स का होता है अब देखो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट सा बना रखा है और इसको समझने में काफी आपको आसानी होगी तो डेटा को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कैटेगरिकल और एक हो गया न्यूमेरिकल मतलब इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तो क्वालिटेटिव का आप समझ गए क्वालिटी के बेस पर क्वांटिटेटिव का मतलब हो गया क्वांटिटी के बेस पर और जो क्वालिटी क्वालिटेटिव वाला है उसको भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया नॉमिनल और यहाँ पर ऑर्डिनल और क्वांटिटेटिव को भी दो में कर दिया डिस्क्रीट और कंटिन्यूस अब आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया मुझे पता है अब उसको हम समझते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्वालिटेटिव वाले डेटा टाइप को ये किस तरह के होते हैं और फिर इसके बाद में देखें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये इस किस किस तरह के होते हैं अब देखो क्वालिटेटिव डेटा होता क्या है अब जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ना इसको हम ना तो काउंट कर सकते हैं ना ही मेज़र कर सकते हैं अब मैं आपको बोलूँ रेड और ग्रीन कलर क्या आप उसको मेज़र कर सकते हो उसकी कोई क्वान्टिटी बता सकते हो नहीं बता सकते हैं ना तो वो हमारा एक क्वालिटेटिव हो गया वो एक क्वालिटी है कलर और अगर मैं आपको दो नंबर बता दूं पाँच नंबर और दस नंबर आप उसमें बीच में कम्पेरिजन कर सकते हैं वो एक क्वालिट क्वांटिटी है आप उसको बड़ा छोटा बता सकते हो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है इसको हम काउंट कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं लेकिन ये क्वालिटेटिव वाले जो होते हैं इसको हम काउंट या फिर मेज़र नहीं कर सकते हैं अब ये भी हमारे दो तरह का हो गया नॉमिनल और ऑर्डिनल अब नॉमिनल जो हो गया वो इस तरह का हो गया कि हम उसको ना कंपेयर नहीं कर सकते और उसको ऑर्डर में नहीं लिख सकते जैसे कि मैंने कलर बताया रेड और ग्रीन कलर अब आप उसको ऑर्डर में नहीं लिख सकते पहले मैं रेड लिखूंगा फिर बाद में ग्रीन कलर लिखूंगा ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है ये सिर्फ एक क्वालिटी है आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कलर्स को तो यहाँ पर देखो कलर यहाँ पर दूसरे यहाँ पर आई थिंक अमेरिकन इंग्लिश में लिखा ब्रिटिश इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश में एक सी ओ एल ओ यू आर है तो इस चीज़ को इग्नोर करना देखो यहाँ पे अलग है तो उस चीज़ को इग्नोर करना तो यहाँ पर हम कलर्स को जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते कि रेड को ऊपर रखेंगे ग्रीन को नीचे रखेंगे तो ग्रीन को ऊपर रख लो रेड को नीचे आपस में कोई कंपेरिजन नहीं बनता वो हमारा ऐसे ही रहेगा ऑर्डिनल वाला जो होता है वो भी हमारा क्वालिटेटिव डेटा टाइप होता है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर इसको हम जो है एक ऑर्डर में लिख सकते हैं जैसे कि हमारा कोई चीज़ हुई उसको हम ऑर्डर में लिख सकते हैं कोई बुरी चीज़ हुई अच्छी चीज़ हुई सबसे अच्छी चीज़ हुई तो बुरी चीज़ पहले उससे अच्छी उससे बड़ी चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ होगी उससे और अच्छी चीज़ जो है वो बड़ी होगी जैसे कि हमारे पास टी शर्ट है उसमें नंबर डला हुआ है साइज़ का टैग लगा हुआ है कि ये स्मॉल साइज़ है मीडियम साइज़ है लार्ज साइज़ है तो हम उसको ऑर्डर में लिख सकते हैं सबसे पहले है स्मॉल फिर मीडियम फिर लार्ज अब बोलेंगे कि भाई ये तो क्वान्टिटिटी हो गया लेकिन ये हमारा हम साइज के बेस पर नहीं हम टैग के हिसाब से देख रहे हैं उस पर जो टैग लिखा हुआ है उसके हिसाब से अब देखो ये जो हमारा पेज है पेज फर्स्ट कुछ इस तरह का दिखता है डेटा एंड एल्गोरिदम तो ये हमारा कुछ इस तरह का है और यहाँ पर अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना जो मैंने नोट्स बता रखे हैं ये आपको कैसे डाउनलोड करने इसके बारे में भी आपको बता दूंगा और इसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे और इसको डबल साइडेड प्रिंट करेंगे जैसे कि मैंने अभी प्रिंट कर रखा है तो मेरे सिर्फ ढाई पेजेस में ये पूरे यूनिट टू के नोट्स प्रिंट हो गए मतलब ढाई पेजेस में पूरा यूनिट आपकी कवर हो जाएगी और इस वीडियो सिर्फ सिंगल वीडियो में आप इसको समझ भी पाओगे अब देखो इसमें जो कंटेंट है वो काफ़ी मैंने कंप्रेस करके कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें लिखी है और ज़्यादा आपको ना पढ़ना पड़े और समझ में आपको ज़्यादा आ जाए उस हिसाब से बना रखा है तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी अगर आपको आ, मुझे लगता है कि आपको इसके अलावा अगर आपको और पढ़ना चाहते हो तो आप अलग से भी गूगल पर सर्च वग़ैरह करके अपनी तरफ से रिसर्च करके पर्टिकुलर टर्म्स को और पढ़ सकते हो और अपने टीचर से भी पढ़ सकते हो उनके उनके साथ डिस्कस कर सकते हो किसी भी टॉपिक के साथ तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा टाइप की तो क्वांटिटेटिव डेटा टाइप जो होता है वो हमारा एक इस तरह का डेटा होता है जिसको हम न्यूमेरिकल uh, वैल्यू में काउंट कर सकते हो जैसे कि हमने अभी कोई चीज़ होगी उसका आप काउंट कर सकते हो छोटी चीज़ को अलग रख सकते हो बड़ी चीज़ को अलग रख सकते हो तो ये भी हमारे ना दो तरह के होते हैं दो कैटेगरी होती है इसकी वो होती है डिस्क्रीट और कंटीन्यूस तो डिस्क्रीट और कंटीन्यूस में आपको यार मैं अभी इसको सेट कर रहा हूं जब से सेट नहीं हो रहा तो हमारा अभी ये लगभग सेट सा हो गया तो हमारा जो डिस्क्रीट होता है वो क्या होता है हमारा इंटीजर या फिर होल नंबर्स होते हैं जिसको हम इस कैटेगरी में उन चीजों को रख सकते हैं अब डिस्क आपका इंटीजर और होल नंबर आपको पता ही होंगे जीरो वन टू थ्री इस तरह के जो भी नंबर है वो हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज हो गई अब इसके बाद होता है दूसरी कैटेगरी इसमें कंटिन्यूस तो इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं मतलब जो पॉइंट वाले टू पॉइंट वन टू पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट नाइन इस तरह के जो भी हमारे फ्रैक्शनल नंबर्स हो गए वो हमारे कंटिन्यूस हो गए तो ये चीज आपको थोड़ी समझ में आ गई होगी अब डेटा हमने समझ लिया अब एलगोरिदम क्या है तो हमारा यूनिट का नाम था डेटा एंड एल्गोरिदम डेटा हमारा हो गया अब एल्गोरिदम यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी यूनिट में और भी चीज़ है जिनके बारे में हम देखने वाले हैं तो एल्गोरिदम्स क्या होता है एलगोरिदम जो होता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है अब मान लो आपको डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आगी पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ फिर शायद आप कनेक्ट कर पाओ तो मान लो आपको मैगी बनानी है सबसे पहले क्या करोगे फ्राई पैन लोगे उसमें यहाँ पर पानी डालोगे और आती तो मुझे भी नहीं तो आप पानी लोगे उसमें और फिर मैगी डालोगे फिर उसको रखोगे उसकी गैस जलाओगे फिर उसको गर्म होने रखोगे दो मिनट दो मिनट में मैगी बन जाएगी हाँ आपकी दो मिनट में आपकी मैगी बन जाएगी तो सबसे पहले आपने क्या करा पानी लिया फिर उसमें मैगी डाली फिर उसको गर्म करा तो ये आपका सिक्वेंस था एक एक स्टेप्स थे एक मैगी को बनाने के लिए प्रॉब्लम क्या थी आपकी किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था वो था आपको मैगी बनाना और उस मैगी को बनाने के लिए आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करे सीक्वेंस में सबसे पहले पानी लिया फिर उसमें वो डाला फिर उसको गर्म करा तो इस तरह से किसी भी एक काम को परफॉर्म करने के लिए आपने जो भी आपने एक स्टेप्स बनाए सीक्वेंस में सबसे पहले ये फिर दूसरे में ये तीसरे में ये इस तरह से सिक्वेंस में कुछ स्टेप्स बनाए और फाइनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इस पूरे सेट ऑफ ऑफ इंस्ट्रक्शन फिर सेट स्टेप्स को आपने एल्गोरिथम बोल दिया अब एल्गोरिथम्स आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये हो गया हमारा एल्गोरिथम अब ये हमारे पास जो डेटा होता है अगर वो बिग ज्यादा अमाउंट में आ जाए मतलब कि बिग डेटा है तो उस बिग डेटा को हम आ, अच्छे से यहाँ पर अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते उसकी एनालिसिस नहीं कर सकते हैं यहाँ पर प्रोसेस जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं ताकि हम बड़े डेटा को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएँ अब बात करते हैं हिस्ट्री की हिस्ट्री यार मुझे काफ़ी बुरी लगती थी और इसमें भी इन्होंने हिस्ट्री दे रखी है अलग से हेडिंग बनाकर फिर भी हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ डेटा की तो डेटा जो है ए में काफ़ी हेल्पफुल होता है क्योंकि ए जो है वो डेटा पर ही काम करता है जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसी का यूज़ करके ए जो है वो अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ गए होंगे फर्स्ट यूनिट में तो वो डेटा पर ही काम करता है काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने उसमें डेटा कैसे कनेक्टेड है ए से उसको आपको बता दिया था तो यही हमें पर्सनलाइज रिजल्ट दिखाता है एक्सपीरियंस दिखाता है आप यहाँ पर इंस्टाग्राम खोलते हो इंस्टाग्राम में जिस तरह की पोस्ट में आप इंटरेस्ट दिखाते हो उसी तरह की पोस्ट और वीडियोस आपके एक्सप्लोर पेज में आएगा अगर आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो एक्सप्लोर पेज में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको पोस्ट वगैरह दिखाएगा और रील्स वगैरह भी वैसे दिखाएगा और अगर आप फैशन वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो इंस्टाग्राम पर उसी तरह की चीज़ें देखते रहते हो तो आपको एक्सप्लोर पेज में फैशन से रिलेटेड पोस्ट दिखाएगा रील्स भी फैशन से रिलेटेड दिखाएगा तो इस तरह से वो क्या करता है आप ही का ही डेटा यूज़ करके यहाँ पर ए का यूज करके आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिलाता है ताकि आप ज़्यादा देर तक एंगेज रहे इंस्टाग्राम पर और इसी तरह बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी होता है तो यहाँ पर हिस्ट डेटा और ए का मैंने रिलेशन आपको बता दिया अब इनकी रिलेशनशिप तो हम समझ गए अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं डेटा की क्या होती है तो यहाँ पर शुरू करते हैं नाइन सिक्स से हंड्रेड बोलू क्या बोलूँ वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से तो यहाँ पर सिक्सटी फोर्टी में यहाँ पर सबसे पहले डेटा वर्ड को देखा गया था इंग्लिश में तो यहाँ पर ये जो वर्ड यूज करा था इन्होंने अपने जो कि थे जॉन मिस्टर जॉन तो इन्होंने इस वर्ड का यूज करा था डेटा अपने इनके पुराने जो भी रिकॉर्ड्स थे उसमें देखा गया था तो इन्होंने वर्ड का यूज करा था डेटा अब ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ डेटा वर्ड का यूज़ करा था यहाँ पर डेटा वर्ड का यहाँ पर डेटा का यूज़ नहीं करा था जो हम आप डेटा पढ़ रहे हैं इस पर काम नहीं करा था सिर्फ इन्होंने डेटा शब्द का यूज़ करा था और हम यही मानते हैं जो डेटा वर्ड है ये जो है इसके फाउंडर मिस्टर जॉन ही है <coughs> अब लेट एट्टीस के बारे में बात करते हैं एट्टीन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम तो देखो 1880 में जो है यूएस में सेंसस हुआ था मतलब ये एक तरह से बोल सकते हो जैसे कि सर्वे वगैरह होते हैं कि भाई इस कंट्री में कितने लोग हैं कितने मेल है कितने फीमेल है किन की एज है किसके फैमिली में कितने मेम्बर्स है ये सभी चीज़ हुई थी एट्टीन में यू में तो यहाँ पर क्या हुआ काफ़ी सारे डेटा आ गया अब उस इतने सारे डेटा को यहाँ पर उसको कैटेगरी में डिवाइड करना उसको समझना उसको देखना ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी और उस डेटा को देखना और समझना काफ़ी मुश्किल हो गया था तो हॉलीवृत्त जो थे देखो शायद मैं प्रोनाउंसिएशन इनकी गलत कर रहा हूँ तो देखो ये यह यहाँ पर हमारे रोहन मोहन सुन्नू मुन्नू टोनू ओनु नहीं है तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखना तो ये क्या हो गया भाई चलो इसको ऐसे रहने देते हैं तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था ये जो थे हमारे भाई साहब इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था और इन्होंने एक ऐसी ऐसी मशीन बना दी थी जो कि इस डेटा को प्रोसेस कर प्रोसेस कर सकती थी और लार्ज अमाउंट डेटा को यहाँ पर एनालिसिस करके दे सकती थी और हम उस डेटा को आराम से समझ सकते थे अब एट के बारे में बात करते हैं वन की तो यहाँ पर एटीन में जो है मिस्टर फ्रिड्स जो थे उन्होंने मैग्नेटिक टेप का यहाँ पर इन्वेंट करा मैग्नेटिक टेप जो होता है उसको इन्वेंट करा जो कि हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को सेव करने के लिए कलेक्ट या फिर स्टोर करने के लिए सॉरी <coughs> तो यहाँ पर हमारी जो आ, इन्होंने मैग्नेटिक टेप बनाया था उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आई जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव आई एच आई हमारी फ्लोपी डिस्क आई टेप आई ये सभी हमारा मैग्नेटिक टेप वाले यहाँ पर टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड थे अब यहाँ पर नाइनटीन में जो है सिर्फ एक कंसेप्ट दिया था मिस्टर मिस्टर यानी डॉक्टर जोसेफ ने तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया था जो था क्लाउड डेटा तो जो कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह पढ़ते हैं तो क्लाउड डेटा स्टोरेज का सिर्फ कंसेप्ट दिया था इन्होंने बनाया नहीं था इन्होंने सिर्फ आइडिया दिया था कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हम कर सकते हैं इन्होंने करा नहीं था सिर्फ आइडिया दिया था तो यहाँ पर इन्हीं के आइडिया पर ही बाद में काम करा गया और क्लाउड स्टोरेज पर यहाँ पर हमारे सामने वो चीज़ बनकर आ गई अब इसके बाद 1970 में जो थे यहाँ पर आ, भाई साहब ने भी एक फ्रेमवर्क बना दिया था जो कि डेटा को मैनेज करने के लिए हम यूज़ कर सक कर सकते थे अब देखो यहाँ पर हिस्ट्री में जो है सिर्फ हमें इनका थोड़ा बेसिक बेसिक जानना है इन्होंने करा गया था अब उसने कैसे करा क्यों करा इसके बारे में जानना नहीं होता है क्योंकि हिस्ट्री का मतलब यही होता है कि वहाँ से हमें किस तरह से आइडियाज़ मिले और इन आइडियाज़ का भी हम यूज़ करके क्या हम कुछ और चीज़ बना सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें जो है पुरानी हो चुकी है और ओल्ड हो चुके हैं इन चीज़ का हम यूज़ नहीं करते जो हम चीज़ यूज़ करते हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं अब आई नाइनटीन के बारे में बात आई जो कि अभी का ज़माना है अब इसके बाद से ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई अब इसके बाद जो है इंटरनेट आया अब देखो इंटरनेट आया तो हमारा डेटा का यूज़ होगा आप ये वीडियो देख रहे हो वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी मतलब कि इंटरनेट पर ही कहीं ना कहीं स्टोर होगी क्लाउड स्टोरेज में स्टोर होगी जहां से आप एक्सेस कर रहे को हो कोई वेबसाइट देख दो या फिर नोट्स को जैसे आप डाउनलोड करने जाओगे तो वो नोट्स भी कहीं ना कहीं स्टोर होंगे क्लाउड स्टोरेज में स्टोर हो मतलब इंटरनेट जहां होगा तो वहां डेटा होगा और जो डेटा होगा वो कहीं ना कहीं स्टोर होगा तो इंटरनेट का टाइम आ गया और सभी जगह डेटा डेटा हो गया और सब कुछ वही हो गया तो यहाँ पर यही है कि वेब uh, बेस्ड जो है वो स्टोरेज बना दी थी ए टी एन टी ने नाइनटीन नाइन्टीज़ में और नाइनटीन नाइन्टी सेवन में गूगल सर्च इंजन लॉन्च हो गया था जिसने डेटा को जो है वो सभी के हाथों में दे दिया था कोई भी डेटा को एक्सेस कर सकता था और ये सभी चीज़ें थी यहाँ पर हिस्ट्री हमारी यहाँ पर खत्म हो गई है लगभग अब नोट्स के बारे में आपको पता ही होगा जो पुराने लोग हैं जो रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगा मैंने पिन कर रखा होगा वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली फ्री में कोई आपसे फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी अब बात करते हैं डेटा स्टोरेज एंड इट्स टाइप डेटा स्टोरेज हमारी क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं तो डेटा स्टोरेज का मतलब आपको पता ही होगा डेटा को स्टोर करना जो भी हमारे पास डेटा है चाहे वो आपकी फाइल्स हो कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो उसको डिजिटली आपको सेव करना जो कि आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो आपने कोई म्यूज़िक फाइल वीडियो फाइल डाउनलोड करी या फिर कोई अपने प्रोग्राम बनाया उसको स्टोर कर दिया और उसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो तो आपने डेटा को स्टोर कर दिया डिजिटल फॉर्मेट में कुछ चीज़ें एनालॉग में भी होती है लेकिन अभी सब कुछ हमारी डिजिटल हो जाती है तो हम डिजिटल फॉर्मेट में उसको स्टोर कर सकते हैं अब डेटा स्टोरेज आप कई किसी में भी स्टोर कर सकते हैं चाहे वो फिजिकल आपकी हार्ड ड्राइव हो क्लाउड स्टोरेज हो आपकी या फिर आपकी पेन ड्राइव हो कहीं भी आप इसको स्टोर कर सकते हो अब डेटा स्टोरेज कितने टाइप के होते हैं तो ब्रॉडली देखें तो हमारे डेटा स्टोरेज जो है दो टाइप के होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट अटैच्ड स्टोरेज जिसको हम प्यार से डी बोलते हैं और एक होता है नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज जिसको हम एन बोलते हैं तो इसके कुछ बड़ी चीज़ नहीं है सिंपल से एक सिंपल लाइन मानसर बताऊं ये हमारी फिजिकल स्टोरेज होती है आपकी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क वगैरह ये सब और ये जो होती है वो हमारी क्लाउड स्टोरेज होती है जिसको हम प्यार से एन बोलते हैं नास <coughs> तो डी जो है वो हमारी फिज़िकली कनेक्टेड डिवाइस होता है जिनको आप कंप्यूटर से कनेक्ट वगैरह कर सकते हो और एक्सेस कर सकते हो अपने डेटा को या फिर उसमें स्टोर कर सकते हो रीड एंड राइट कर सकते हो जैसे कि एग्जाम्पल हुआ हमारी हार्ड डिस्क हुई हमारी एच हुई एस हुई एस हुई सॉरी सॉलिड स्टेट ड्राइव सी डी डी वी डी पेन ड्राइव्स वगैरह अब नेटवर्क स्टोरेज आपका वही हो गया क्लाउड स्टोरेज आपके कंप्यूटर आप आपस में कनेक्ट भी कर सकते हो और आप कहीं से भी कुछ भी अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो शेयर कर सकते हो मेरे इस कंप्यूटर में जो भी फाइल्स वगैरह वो सभी हम अपने मोबाइल में भी देख सकते हो अपने मोबाइल के फाइल्स अपने कंप्यूटर में इधर उधर सब कुछ हम क्लाउड स्टोरेज का यहाँ पर यूज़ करते हैं यहाँ पर कोई फिजिकल हार्ड ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क वगैरह ये सभी हम चीज़ें का यूज़ नहीं कर सकते करते हैं अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस देखो ये था हमारा डेटा स्टोरेज के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं डेटा को हम किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं अब ये है हमारे जो डेटा स्टोर करने के डिवाइस है वो कितने कितने तरह के हो सकते हैं ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि तीन टाइप होंगे या चार टाइप होंगे बल्कि यहाँ पर तो एग्जाम्पल्स लिखना बेटर रहता तो यहाँ पर आपके डेटा को आप किस किस चीज़ों में स्टोर कर सकते हो आप अपने हार्ड डिस्क ड्राइव में कर सकते हो मतलब एच में कर सकते हो और फ्लॉपी डिस्क जो कि लुप्त हो चुकी है अभी ये नहीं आती इसका ज़माना जा चुका है टेप्स भी खत्म हो चुके हैं सी भी खत्म हो चुके हैं डीवीडी भी ख़त्म हो चुका है ब्लू रेस भी अभी भी थोड़ी दिखती है लेकिन ये भी हमारी ख़त्म हो चुकी है ब्लू रे में आप पच्चीस जीबी और डबल साइडेड में आप पचास जी स्टोर कर सकते थे और डीवीडी में आई थिंक फोर पॉइंट सेवन जी है और सीडी में कितना था सात सौ एम तो ये हमारी सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और अभी भी हमारी चल रही है हार्ड डिस्क ड्राइव जो कि यह भी ख़त्म होने की कगार पर है और सी डी आपके यहाँ पर आपके लैपटॉप में भी देखने को नहीं मिलते पी बिल्ड में भी अब हम यूज़ नहीं करते हैं और सी डी प्लेयर भी अब ज़माना जा चुका है और यू एस ड्राइव्स जो हैं वो भी हम यूज़ यूज़ करते हैं पेन ड्राइव वग़ैरह का और हम एस कार्ड का भी यूज़ करते हैं अपने कैमरे में हुआ या फिर आपके स्मार्टफोन में हुआ और एस एस डी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और यही पॉपुलर है इसमें आपको हाई स्पीड देखने को मिल जाती है छः जी बी पी एस की रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाती है ये भी आपकी अलग अलग कैटेगरीज की हो सकती है आपकी साटा बेस्ड एस एस डी भी हो सकती है एन वी एम बी पी सी आई स्लॉट वाली भी हो सकती है एम डॉट टू स्लॉट वाली एस एस डी भी हमारी ये हो सकती है क्लाउड स्टोरेज देखो अभी जो जमाना है वो अगर फिजिकल ड्राइव के बारे में बात करूं तो एस एस डी का जमाना है और एस एस डी का भी वो सॉरी एस एस डी का तो हो ही गया और हमारा एस डी कार्ड का भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे डिवाइस होते हैं तो उसमें स्टोर करने के लिए हमें एस डी कार्ड का यूज़ करना पड़ता है और अभी पेन ड्राइव्स वगैरह का भी थोड़ा जमाना जा रहा है क्योंकि सभी के पास अनलिमिटेड और हाई स्पीड डेटा मिलना शुरू हो गया तो अभी हम फाइल ट्रांसफर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं मैं भी अगर कोई फाइल कंप्यूटर से मोबाइल में डालनी हो तो मैं क्लाउड के थ्रू ही भेजता हूं मैं यहां पर पेन ड्राइव लगाकर या फिर फोन को कनेक्ट करके नहीं करता हूँ तो अभी ये जो हमारी लास्ट की तीन चीजें हैं यही हमारी पॉपुलर है और यही फ्यूचर में अभी यूज होने वाली है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है मुझे भी नहीं पता देखना पड़ेगा ऊपर इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा डेटा की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है भाई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पूरी हमने यूनिट बना डाली इसके लिए तो डेटा जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर एक ही बात को ना यहाँ पर पॉइंट्स बना रखे हैं इधर उधर घुमा फिरा के वही बात बार बार लिख रखे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा में तो सबसे पहला है कि हमारी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव करता है इम्प्रूव कैसा करता है जैसे कि मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का एग्ज़ाम्पल दिया था आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पोस्ट वगैरह दिखेगी जिससे क्या होगा आपका जो इंटरेस्ट है वही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी ये सब चीज़ क्यों हो रही है डेटा की वजह से डेटा का यूज़ करके आपका देखा जा रहा है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपका उसी को डेटा का यूज करके यहाँ पर आपको आगे की चीज़ें दिखाई जा रही है नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो देखते हैं कि आपका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है थ्रिलर सस्पेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो आपको रिकमेंडेशन जो है वो सस्पेंस थ्रिलर की ही देगा तो ये आपके प्रीवियस डेटा का यूज़ करके आपको बताता है या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो आ, कोई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी या फिर सीरीज देखी वेब शो देखा तो वो देखता है कि वही वेब शो जिसने पहले लोगों ने देखी थी उन्होंने उसके बाद किस किस और मूवीज़ या फिर सीरीज़ को देखा तो मतलब जिसको वो सीरीज़ पसंद आई थी उसको और और कौन कौन सी सीरीज़ पसंद आई थी फिर वो उन्हीं के हिसाब से आपको भी सजेस्ट करेगा हो सकता है शायद आपको वो भी पसंद आए तो उस तरह से इनडायरेक्टली आपकी ही लाइफ इंप्रूव हो रही है आपको सभी चीज़ें पर्सनलाइज देखने को मिल रही है और आपके हिसाब से आपके टेस्ट के हिसाब से चीज़ें देखने को मिल रही है अब है मेक इनफॉर्म डिसीजन अब देखो डेटा जो है वो काफ़ी सारी आपको नॉलेज दे सकता है जिस कौन नॉलेज का यूज़ करके आप अपने बिजनेस या फिर अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको काफ़ी अलग लेवल पर पहुंचा सकते हो काफ़ी बढ़िया चीज़ कर सकते हो अब डेटा जो है वो एक छोटी सी चीज़ है जो कि भाई आपको करोड़पति भी बना सकती है और सड़क आपके बिजनेस को खराब करके सड़क पे भी ला सकती है अगर आप उस डेटा को अच्छे से यूज़ करते हो अब देखो डेटा और इन्फॉर्मेशन दोनों अलग चीज़ होती है जो डेटा है वो आपका रॉ आपका सभी जो इन्फॉर्मे डेटा जो आपका मिला है वो आपके पास है रॉ और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके काम के आने वाली चीज़ें हैं वो सभी है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आगे बताऊंगा आगे अगर इसमें चीज़ हमें देखने को मिलता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा अब देखो यहाँ पर आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस भी शायद आपको समझ में आ जाए अब मान लो भाई एक कॉलेज है उसके पास में मुझे यहाँ पर पेस्ट्रीज़ बेचनी है और मुझे एक बड़ा सा पेस्ट्री का यहाँ पर काफ़ी बड़ी शॉप बनानी है काफ़ी बड़ी बेकरी बनानी है पेस्ट्री बेचने के लिए तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले मैं तो डायरेक्ट भी खोल सकता हूँ लेकिन इंटेलिजेंट तरीके से सबसे पहले मैं डेटा इकट्ठा करूँगा जिससे हमें अपनी बिज़नेस की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट मैं डेटा को कलेक्ट करना शुरू करूँगा किस कॉलेज में कौन कौन पढ़ते हैं क्या रेशियो है जेंडर का और किस टाइम वो निकलते हैं कॉलेज से और किस चीज़ में वो ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्या चीज़ें खाना उनको पसंद है ये सभी मैं डेटा कलेक्ट करूंगा अब देखो अब इस डेटा के पास हमारी जो काम काम की इंफॉर्मेशन है मैं उसको अलग करूंगा जैसे कि उनको खाने में क्या चीज़ पसंद है वो किस टाइम अपने कॉलेज से निकलते हैं तो ये जो है हमारी उस डेटा में से जो हमने काम की चीज़ें निकाल दी वो है इन्फॉर्मेशन अब उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके हम अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं अब मुझे पता चला कि भाई मुझे तो पेस्ट्री की बेचनी थी और मुझे बेकरी लगानी थी उनके पास में लेकिन भाई उनको तो पसंद है तीखा खाना तो भाई पेस्ट्री बेचने में मेरा लॉस हो जाएगा और मेरा बिजनेस हो जाएगा फ्लॉप अब मैंने इसी डेटा का यूज़ करके मैंने एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल दी जिससे मेरी बेकरी में मेरी पेस्ट्री भी काफ़ी बढ़िया बिकेगी और मैंने एक साइड में एक और बिजनेस खोल लिया जिससे मेरी और इनकम जो पेस्ट्री से होनी थी उसके अलावा और ज़्यादा बूस्ट होगी अब मैं क्या करूँगा इनको तीखा खाना पसंद है तो मैं लगाऊंगा मोमोज़ तो मैं यहाँ पर सेल करूँगा मोमोज और उसके बाद मैं उनको मैंने जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी डेटा हमने कलेक्ट करा था उसमें ये भी पता चला था कि उनको वो मोमोज यहाँ पर तीखा वगैरह खाने के बाद वो कुछ मीठा वगैरह खाने भी इधर उधर जाते हैं तो वो फिर हमारी पेस्ट्री भी ख़रीदेंगे भले से उनका इंटरेस्ट ना हो लेकिन मोमो खाने के बाद वो उस चीज़ को खरीदेंगे अब मेरी पेस्ट्री भी बिकी और मुझे एक नया बिज़नेस में मिल गया मोमोज़ बेचने का जो कि मेरी इनकम को और ज़्यादा बढ़ा देगा तो इस तरह से हमारे एक डिसीजन ले सकते हैं हम अपने डेटा को कलेक्ट करके काफी बढ़िया डिसीजन हम बना सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से सॉरी <coughs> अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना अब हमारे पास डेटा है अब हमें पता है कि डेटा हमने कलेक्ट कर लिया अब हमने देखा इसमें ये प्रॉब्लम है हमारे डेटा में पता चल गया अब हम ढूंढेंगे वो किस वजह से प्रॉब्लम है फिर हम उस वजह का हम सॉल्यूशन निकालेंगे उसका क्या सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं तो जैसे कि ये मोमोज वाला ही था तब तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई थी कि भाई इनको हमें पेस्ट्री बेचनी थी लेकिन लोगों को मीठा खाना पसंद है इनको तीखा खाना पसंद है तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया हमने अपने पेस्ट्री बिकवाई फिर भी भले से उनको मज़ा ना आता उस खाने में हमने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया वो भी किसके बेस पर डेटा के बेस पर तो डेटा से हमने इस तरह से अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया अब हमने स्ट्रेटेजी बी स्ट्रेटेजिक इन योर अप्रोचेस तो हमने एक देखो यहाँ पर स्ट्रेटेजी तो लगाई थी हमने यहाँ पर एक तीन से दो निशाने लगा दिए हमें सिर्फ पेस्ट ही बेचनी थी लेकिन हमने साथ में पेस्ट ही हमारी नहीं बिखरी थी हमने उसको भी बेचा साथ में साइड में एक और बिजनेस खोला जिससे हमारा और ज्यादा इनकम बढ़ गई तो हमने स्ट्रेटेजी लगा दी और हमारा सब कुछ काम हो गया बढ़िया अब हमारा हो गया रिजल्ट यू वांट अब हमें जो रिजल्ट चाहिए हम वो पा सकते हैं यार वही बात होगी हम मोमोज़ बेचने थे हमने मोमोज बेच दिए हमें डेटा का यूज़ कर करके और यहाँ पर स्ट्रेटेजी हम ये भी लगा सकते हैं जैसे प्रॉब्लम थी हमारी अगर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि भाई हम बीस के मोमोज़ बेच रहे थे तो लोगों के पास उनके पास इतना पॉकेट मनी नहीं थी तो हमने क्या करा हमने 20 की जगह 10 में बेचना शुरू कर दिया और आधे कर दिए मोमोज उस प्लेट में तो हमारी इनकम बढ़ गई तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया और हमारा जो मकसद था मोमोज को बेचना हमने रिजल्ट वो पा लिया तो इस तरह से लॉन्ग टर्म में हमारा काफ़ी बढ़िया हो सकता है और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हम ढूंढ सकते हैं और अपने डेटा का बेस पर स्टॉप गैसिंग द गेम तो यहाँ पर हम जो है जो भी काम करने वाले हैं वो हम ऐसे गैसिंग के बेस पर नहीं करने वाले हम डेटा के बेस पर करने वाले अब जैसे मोमोज वाला एग्जाम्पल दिया था मैं डायरेक्टली भी यहाँ पर खोल सकता था और मैं पेस्ट्री बेचना चाहता था मैं डायरेक्टली पेस्ट्री की यहाँ पर खोलता और इनकम नहीं होती हमारा बिजनेस फ्लॉप हो जाता मैं क्या सोचता है? चलो यार लगाते हैं लोगों को पसंद आएगा ठीक है खाएंगे लेकिन नहीं हमने गैस नहीं करा हमने डेटा कलेक्ट करा और फैक्ट के बेस पर अपने काम को यहाँ पर शुरू करा तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपने जो भी बिजनेस कर रहे हो और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है तो वो गैसिंग के बेस पर नहीं एक सॉलिड आपने यहाँ पर फैक्ट के बेस पर यहाँ पर काम करा जो कि हमने यूज करा डेटा का तो डेटा से आप देख सकते हो अपने बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हो यूज करके नो वॉट यू आर डूइंग वेल तो यहाँ पर क्या करेंगे आपके पास डेटा आएगा जैसे कि आपकी सेल वगैरह हुई तो आप सोचेंगे या इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे अच्छा बना सकते हैं तो आपके पास जो सेलिंग का डेटा है जो कि इस टाइम से इस टाइम आए इस डे में जो है वो ज़्यादा सेल होती है आपके पास पूरा डेटा का एनालिसिस आ चुका है आपने एलेटिक एनालिटिक्स बना लिया पूरा ग्राफ बना लिया चार्ट बना लिया फिर उसको आपने स्टडी करा तो इस तरह से डेटा को स्टडी करके आप फर्दर जो है इंप्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस को या फिर जो भी आप कोई चीज़ बना रहे हो या फिर कुछ चीज़ सेल कर रहे हो उस चीज़ को आप सही कर सकते हो अब यहाँ पर क्या कर सकते हो कीप ट्रैक ऑफ इट ऑल अब यहाँ पर क्या कर सकते हो बिजनेस अपने जो भी वही मोमोज का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर आपने बेंच मार्क्स सेट कर लिया कि हमारे संडे में जो है वो इतनी सेल होती है मंडे में इतनी सेल होती है तो आप जो है अपने पूरा ट्रैक रख सकते हो कि, कि किस तरह से आपका चल रहा है और आपका जो गोल था क्या वो उस तरफ जा रहा है जो आपने गोल सेट करा है कि भाई इतना पर डे मेरी सेल होनी चाहिए या फिर नहीं वो आप सेट कर सकते हो और उस डेटा के हिसाब से चेक कर सकते हो क्या हम उस चीज़ तक पहुंच पा रहे हैं क्या हम वो चीज़ अचीव कर पा रहे हैं जो हमने गोल सेट करा था तो आप डेटा से वो चेक कर सकते हैं कि मैं किस लेवल पर हूं और क्या हमने चीज़ को सेट करा था वो चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो आप डेटा को क्या कर सकते हो आप डेटा का यूज़ करके आप चेक कर सकते हो कि आप जो है बाकी कॉम्पिटिशन के हिसाब से आप क्या चीज़ अलग दे रहे हो वो आप चेक कर सकते हो अपने डेटा में और फिर आपने चेक करा कि हम ये चीज़ जो वो बेटर दे पा रहे हो और उस चीज़ को आप अपनी यूएसपी बना सकते हो और यहाँ पर सेल कर सकते हो और उसको बढ़ा सकते हो उस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं कैंपेन वगैरह उसी कोई हाईलाइट कर सकते हो तो ये चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो तो ये यहाँ पर कुछ ऐसी बात थी जो कि मैंने आपको बता दिया है अब बात करते हैं डेटा एक्विजिशन की जिसको हम प्यार से डी ए क्यू या फिर डी ए एस भी बोलते हैं मतलब तो डी एस तो हो गया डेटा एक्विजिशन सिस्टम और ये हमारा डेटा एक्विजिशन हो गया तो बेसिकली जो डेटा एक्विजिशन है उसमें क्या होता है हमारा डेटा जो है वो एक तरह की प्रोसेस है अपने जो हमारे आस पास में जो भी इंफॉर्मेशन है डेटा है उसको जो है वो डिजिटलाइज्ड डिजिटलाइज फॉर्म में सेव करना या फिर स्टोर करना अब जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हो हमने एक डिवाइस लगाया जो कि पूरे दिन हमारा टेम्परेचर मेजर करता रहता है तो उसने क्या करा जितना भी हमारा टेम्परेचर था उसको स्टोर करा एक डिजिटल फॉर्मेट में और पूरा हमारे पास चार्ट दे दिया कि सुबह इतना टेम्परेचर था दोपहर इतना था शाम इतना था रात इतना था तो पूरा जो है एनवायरमेंट से हमारे सराउंडिंग uh, से जो है उसने डेटा को कलेक्ट करा और उसको डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कर दिया और उस तरह से हमारा डेटा एक्विजिशन हो गया डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करना डेटा एक्विजिशन आप समझ सकते हो अब डी क्या होता है डेटा एक्विजिशन सिस्टम तो डे ए एस जो होता है वो हमारा एक सिस्टम होता है जिसको जिसका हम यूज़ करते हैं डेटा एक्विजिशन के लिए मतलब ये जो हम काम कर रहे थे उसमें जो भी सिस्टम यूज़ हो रहा है जो भी डिवाइस वगैरह ये सब हमारा सिस्टम यूज़ हो रहा है उसको हम डेटा एक्विजिशन सिस्टम बोलते हैं अब ये जो सिस्टम है वो हमारे काफ़ी सारे काम कर सकते हैं डेटा को कन्वर्ट करने के लिए स्टोर करने के लिए ट्रांसमिशन करने के लिए उसके प्रोसेस करने के लिए अब प्रोसेसिंग की डेटा की क्या होती है वो हम आगे देखने वाले हैं सॉरी <coughs> तो हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डी ए एस डी एस किस किस टाइप्स के हो सकते हैं तो ये हमारे ब्रॉडली टू टाइप्स के हो सकते हैं एनालॉग डी एस हो गया हमारा और डिजिटल डी ए एस हो गया जो हमारा एनालॉग सिग्नल के लिए हम एनालॉग सिग्नल पर ऑपरेट करने के लिए सिस्टम का यूज़ करते हैं वो हमारा एनालॉग डी एस हो गया और जो हमारा डिजिटल चीज़ों पर डिजिटल सिग्नल्स पर हमारा ऑपरेट करने के लिए यूज करता है वो हमारे डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम मतलब डिजिटल डी हो गया अब देखो एनालॉग डी जो है उसमें कुछ हमारे सिस्टम्स यूज करे जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक एक लाइन में है जो कि आप देखकर अपने आप भी समझ सकते हो तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ट्रांसड्यूसर का हम यूज़ करते हैं बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर कन्वर्ट कर देता है लेकिन हमारा काम जो यहाँ पर हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को जो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं जैसे कि हमारा टेम्परेचर था वो हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमने इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया और हमारे पास आ गया सिग्नल कंडीशनर कंडीशनर जो है वो क्या करता है वो हमारे सिग्नल सिग्नल को जो है वो एम्पलीफाई करता है और जो है डिज़ायर्ड सिग्नल के पोर्शन को हम रखते हैं और बाकी को हटा देते हैं अब जब हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे थे उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी थी हमारे सराउंडिंग में जैसे कि ह्यूमिडिटी वगैरह और हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह उस चीज़ को उसने छोड़ के सिर्फ टेम्परेचर को मेज़र करा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत थी अब डिस्प्ले डिवाइस जो होता है वो हमारे इनपुट सिग्नल को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इसी तरह हमारे इसको स्टोर वगैरह करने के लिए हम ये सभी चीज़ें यूज़ करते हैं आप इसको रीड कर लेना आप इसको जैसे मैग्नेटिक टेप है ये हमारा एनालॉग सिग्नल थे तो हम इसको मैग्नेटिक टेप में स्टोर कर रहे हैं जो कि हम इसको स्टोर कर सकते हैं और आगे हम इसको देख सकते हैं और डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम में भी हम ऐसे ही करते हैं डिजिटल सिग्नल को हम यहाँ पर आ, ऑपरेट करता है डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट करते हैं और डी ए एस को तो यहाँ पर भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि ट्रांसड्यूसर है इसका भी सेम वही काम है फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा सिग्नल कंडीशनरिंग भी वही कंडीशनर भी वही काम करेगा फालतू की चीज़ें को निकाल देगा डेटा में से जो हमें चाहिए से हम वो रखेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा मल्टीपल इनपुट को जो है कनेक्ट कर देगा पैरेलल सर्किट ये मतलब यार लाइन देख लेना ये फालतू की चीज़ है यार मेरा पढ़ इसको स्वाद नहीं आ रहा इसको, इसको। तो यहाँ पर अब है एनोलॉग टू डिजिटल ये एनोलॉग को डिजिटल में चेंज कर देगा डिस्प्ले डिवाइस वही है और डिजिटल हमारे सिग्नल है तो उसको डिजिटली स्टोर करने के लिए हम डिजिटल रिकॉर्डर वगैरह का यूज़ करेंगे तो ये देखो ऐसी है जो कि चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये इन डेप्थ में नहीं है ये एक टॉपिक का सब टॉपिक का सब टॉपिक है जो कि इसके बारे में सिर्फ एक लाइन में हम ना तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं ना एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस वीडियो का जो यूएसपी है वो हमारी लॉस हो जाएगी मतलब एक वीडियो में पूरे यूनिट को हमें खत्म करना है और वो भी समझ के तो उस चीज़ को हम देखते हैं आगे डेटा प्रोसेसिंग अब डेटा प्रोसेसिंग है क्या अब देखो डेटा और इन्फॉर्मेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा इससे पहले अगर आप बिना स्किप करते हुए वीडियो देख रहे हो क्योंकि भाई एक लेक्चर है ये आप चीज़ें को समझ रहे हो ये कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है जिसको आप स्किप करके या फिर फॉरवर्ड करके देख देख देखते हुए जा रहे हो एक वीडियो में आपको इतनी पूरी यूनिट कंप्लीट हो रही है तो उसको कंटिन्यूस भी देखना चाहिए तो यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है आप डेटा और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रॉ डेटा को जो है एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं अब डेटा आपने कलेक्ट करा जो भी आपको एन्वायरमेंट से डेटा मिला जैसे कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल में बताया था तो हमने कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करा और जिस चीज़ को हमने यहाँ पर जिस चीज़ के लिए हमने वो डेटा कलेक्ट करा था उसमें जो उसमें फिर हमने कुछ चीज़ें निकाली और जिस चीज़ का हम यूज़ करके उस पर्पज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं उसको हमने सेपरेट कर लिया वो हमारी इन्फॉर्मेशन बन गई तो रॉ डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को सिंपली हम डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं इसमें कुछ स्टेजेस होती है डेटा प्रोसेसिंग की वो यहाँ पर बता देता हूँ अब देखो डेटा प्रोसेस को और समझने के लिए मैं आपको कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल बताने की कोशिश करूँगा जिससे आप अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे और इन स्टेजेस को भी आप अच्छे से समझ पाओगे तो अभी मान लो हमें यहाँ पर सॉरी <coughs> कोई एक एरिया है वहाँ पर हमें आ, कुछ चीज़ें जो है वो सेल करनी है अब यहाँ पर मान लो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की सेल करने वाले हैं हमें स्टोर खोलना है अपने प्रोडक्ट्स को बेचना है कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप्स वगैरह तो हमने क्या करा जो एरिया है उसके हमने डेटा कलेक्ट करे यहाँ पर हमने सर्वे वगैरह करे और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी अब वहाँ पर हमारे पास डेटा कलेक्ट करा हमने सॉरी तो हमने डेटा जो कलेक्ट करा उस डेटा में हमें पता चला कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस इस एज के हैं उनके फैमिली में इतने लोग हैं उनके घर इतने बड़े बड़े हैं वो शॉपिंग यहाँ पर आस पड़ोस में जितनी शॉप्स है शोरूम्स है सोनू भैया मोनू भैया टोनू भैया इनकी दुकान से कितना सामान खरीदते हैं और इस शोरूम से कितना सामान ख़रीदते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह वो कितने करते हैं ये सभी हमने डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन हमारा मोटिव क्या है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की सेल करना वहां पर हमें सेल करने है उन प्रोडक्ट्स को अब उस डेटा में से जो जो इन्फॉर्मेशन जो जो डेटा जो हमारा काम का है जिसको हम अपने इस परपज़ को फुलफ़िल कर सकते हैं फुलफिल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो हमने उसको सेपरेट करा और जैसे कि वो निकल कर आया उनकी सैलरी कितनी है मंथली वो शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन करता है या फिर ऑफलाइन करता है तो ये सभी चीज़ें जो हमने सेपरेट करी वो एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गई जो हमारे लिए यूज़फुल है तो आप समझ गए होंगे डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है और इस डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं तो सबसे पहला यहाँ पर स्टेप जो होता है स्टेज जो होती है वो है कलेक्शन तो सबसे पहला काम तो है डेटा को कलेक्ट करना तो डेटा को कलेक्ट करना बस कलेक्शन ही बोलते हैं इसमें कुछ खास नहीं है और ये चीज़ और ध्यान रखने वाली है डेटा जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक्यूरेट कर रहे हैं और सही सोर्स से कलेक्ट कर रहे हैं मतलब कि हमें यहाँ पर हमें अपने डिवाइसेस वगैरह को सेल करने के लिए हमें डेटा कलेक्ट करना था अब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई उनके घर में पेट्स कितने हैं जानवर कितने पाल रखे हैं वो जानवर क्या खाते हैं उससे हमारा क्या लेना देना भाई तो जो हम पर्पज़ के लिए हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ को हम ध्यान से सही डेटा को कलेक्ट करें और नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिपरेशन तो उसमें क्या होगा हमारे पास काफ़ी सारे डेटा आ जाएगा काफ़ी सारे डेटा का सेट्स होगा उसमें जो है हम फालतू की चीज़ें भी हटानी पड़ती है जो कुछ इनकम्प्लीट डेटा है उसको हमने हटा दिया या फिर जो हमारे काम का नहीं है यूज़फुल नहीं है उस चीज़ को हमने हटा दिया अब यहाँ पर आता है इनपुट अब जो हमने डेटा को कलेक्ट करा अब जो है हम उस डेटा को अपने कंप्यूटर में इनपुट करेंगे चाहे वो कीबोर्ड हो स्कैनर हो माउस हो अब जो भी हमने कर दिया अब उसको डिजिटल फॉर्मेट में हम उसको प्रोसेस करने के लिए फर्दर प्रोसेस करने के लिए उसको इनपुट में डालेंगे जब हमारे डिवाइस में आ गया कंप्यूटर में वो डेटा आ चुका है तो अब हम काम करते हैं मेन जो है वो है प्रोसेसिंग तो ये हमारा मेन काम है जहाँ पर हम इस चीज़ को मेन एग्जीक्यूशन करेंगे और यहाँ पर रॉ फैक्ट्स को जो है रॉ डेटा को जो है वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देंगे अब जो जो हमारे पास चीज़ें चाहिए थी उस डेटा में से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सभी हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे पास आ चुका है अब यहाँ पर वो सिर्फ उसने सिर्फ सेपरेट करा है आगे की जो प्रोसेस होगी वो आउटपुट में होगी तो अब आउटपुट में क्या होगा वो आउटपुट में जो है वो यूजर को दिखाएगा चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो वीडियो फॉर्मेट में हो या फिर ग्राफ हो या फिर एना एनालिटिकल चार्ट उसने बनाकर दे दिया हो वो हमारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इस आउटपुट में यूज़र को देगा अब इसने समझ लो भाई इसने पूरा चार्ट बनाकर दे दिया कि अगर वो 100 चीज़ें खरीदता है तो उसमें से 80 परसेंट चीज़ें जो है वो ऑनलाइन खरीदता है 20 चीज़ें जो है वो ऑफलाइन खरीदता है तो ये हमारे पास इसने आउटपुट निकाल के दे दिया तो अब हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है अब जो डेटा हमारे पास निकल कर आया है अब हम उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उसको फ्यूचर में उस डेटा का यूज़ कर सके अब ऐसा तो नहीं है अब हमें फिर से चेक करना हो तो हम फिर से डेटा कलेक्ट करें फिर से ये काम करें ऐसा नहीं अब हमने काम कर दिया अब हम इसको स्टोर करके कर रख सकते हैं फ्यूचर में देखने के लिए अब देखो हमारे पास कंक्लूजन आ गया कि ये ऑनलाइन शॉप करता है तो अब जो हम वहाँ पर शॉप लगाने वाले हैं उसको क्या करेंगे ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बेच देंगे ऑर्डर जो है वो ऑनलाइन लेना शुरू कर देंगे अमेजोन पर सेलर अकाउंट बना देंगे और ऑनलाइन बेच देंगे ऑफलाइन बेचने से अच्छा क्योंकि भाई वो लोग शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं तो इस इस तरह से हम डेटा का यहाँ पर मैंने बता दिया कैसे स्टेप्स होते हैं और कैसे हम इस डेटा को प्रोसेस करके अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे डेटा इम्पॉर्टेंट होता है अब आता है डेटा विजुअलाइजेशन इसके नाम से आपको पता चल रहा है डेटा को हम विजुअलाइज कर रहे हैं मतलब एक तरह से दिखने में कैसा लग रहा है डेटा हम देखते ही पता सके ये डेटा कैसा दिख रहा है अब इसको समझाने के लिए ना एक बार मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूँ अपनी स्क्रीन पर फिर ज़्यादा आप कनेक्ट हो पाओगे इस चीज़ से देखो इस चीज़ को समझने के लिए मैंने अपने यूट्यूब एनालिटिक्स ही खोल लिया अब यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पर इसने ग्राफ्स दे रखे हैं यहाँ पर ये इसने पाई चार्ट बनाकर दे दिया है यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको देख सकते हो किस तरह से इसने बनाकर दे दिया अब डेटा विजुअलाइजेशन में काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे देखो यहाँ पे तीन चीज़ तो मैंने ही दिखा दी यहाँ पर ये तो हमारा ग्राफ हो गया इस चीज़ को हम ग्राफ बोलते हैं जिससे आप जिसको आपको सबको ही पता होगा ये क्या चीज़ होती है ये हमारा पाई चार्ट बना दिया मैंने ये पाई चार्ट इस तरह का होता है ये इस तरह से डिवाइड ये हमारी फनल हो गई देखो ये चीज़ तो सब कुछ हो ही गई है तो इस तरह से होता है अब देखो यहाँ पर देख सकते हो व्यूज़ चेक कर सकते हो कि जैसे कि हमारे इस डेट में इतने व्यूज़ आए थे इस डेट में इतने व्यूज़ आए थे ये पूरा इसने ग्राफ बना कर दे दिया अब ये चेक कर सकते हो ये व्यूज़ हमें कहाँ कहाँ से आए थे ये देखो पूरा पाई चार्ट है ये बड़े वाले पे मैं लाता हूँ ये दिखाएगा कि ये हमारे यूट्यूब सर्च से सेवेंटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट व्यूज़ हमारे यूट्यूब सर्च से आए हैं और ये सात पॉइंट छः परसेंट जो है वो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज से आए हैं और चार जो है वो ब्राउज फ़ीचर्स से आए इस तरह से इसने पूरे हंड्रेड चीज़ को जो है वो डिवाइड कर दिया कि कहाँ से कितने किस सोर्स से हमें कितने व्यूज़ आए हैं इसने फनल बना के दे दिया यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि टोटल हमारे वीडियोस के व्यूज़ जो है वो 32 मिलियंस गए थे और जिसमें से 12 परसेंट जो है वो यूट्यूब ने रिकमेंड करा था आपके कंटेंट को तो 32 मिलियन इम्प्रेशंस में से तीन मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा मतलब लोगों को बत्तीस मिलियन वीडियोस जो है वो उनकी स्क्रीन पर दिखी थी थंबनेल दिखा था जिसमें से तीन लोगों ने क्लिक करके उसको देखा और उस तीन मिलियन लोगों में से कितना वॉच टाइम मिला कितनी देर तक देखा वो आपको देखने को मिल रहा है तो इस तरह से ये डेटा को आप देख कर ना अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो मैं भी अपनी स्टडी कर सकता हूँ यहाँ पर कि कहाँ से मुझे कैसे देखने को मिल रहा है किस तरह की लोगों ने ज़्यादा वीडियो को देखा किस तरह की वीडियोज़ को लोगों ने कम देखा किस तरह की टाइप की वीडियोज़ में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो उस तरह के मुझे हिसाब से बनाना चाहिए यहाँ पर यह भी दिखा देगा कि किस आ, किस एरिया से ज़्यादा लोग हैं जेंडर रेशियो क्या है किस जेंडर के लोग ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं मेरी तो ये सब इंफॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर आ जाएगी और उस चीज़ का यूज़ करके ना मैं काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ अब देखो ये जो चीज़ आपको स्क्रीन पर दिख रही है ग्राफ हुआ ये हुआ हमारा तो ये सब जो है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मतलब कि ये डेटा को विजुअलाइज करके दिखा रहा है हमें ये सब है तो डेटा ही लेकिन ये हमें विजुअलाइज वे में दिखा रहा है अब इससे क्या फायदा हो रहा है इजिली देखते ही हम सब चीजें समझ पा रहे हैं अगर ये चाहे तो आपको पूरा टेक्स्ट में लिख के दे देता डेट वेट ये सब कुछ टाइप करके दे, दे देता टेक्स्ट में लिखा हुआ था वो चीज़ आपको देखने में समझने में काफी प्रॉब्लम आती अब जैसे कि ये ट्रैफिक सोर्स है ये देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ से ज़्यादा है यहाँ से कम है तो एक बार आपने देख लिया और कल के दिन भी आप सोचेंगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा वो दिखा आपके नज़रों के सामने दिखेगा कि मैंने ऐसा देखा था वो ऐसा था तो ये जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप और आपको कम स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये जो है सब हमारा डेटा uh, विजुअलाइजेशन है तो मैंने आपको प्रैक्टिकली तो दिखाई दिया है क्या होता है डेटा विजुअलाइजेशन अब इसकी अब डेफिनेशन वगैरह ये सब अपने आप पढ़ेंगे ना तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि जो डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है इन्फॉर्मेशन और डेटा का जो कि मैंने आपको दिखाई दिया है प्रैक्टिकली अब इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे कि चार्ट का यूज़ कर सकते हैं ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं मैप्स का यूज़ कर सकते हैं अब इससे क्या फ़ायदा होगा डिसीजन मेकर को जो है वो काफ़ी आसानी से एनालिटिक्स uh, को शो कर सकता है जो कि आराम से हर किसी को समझ में आ सकता है अब इससे क्या होगा बड़े बड़े डेटा को जो है वो सिंपलर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बड़े डेटा को हम स्मॉल डेटा सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं विजुअल्स में चेंज कर सकते हैं जो कि हर कोई इजीली समझ सकता है और कोई भी आम इंसान उस चीज़ को रिलेट कर पाएगा अब ये है वाई डेटा विजुअलाइजेशन हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी सब कुछ वही है सब कुछ वही जो ऊपर डेफिनेशन में लिखा था वही चीज है जो मैंने मुंह से बोल के बताया आपको वही सभी चीज़ें हैं इससे क्या होगा आप ईजीली समझ सकते हो और ये आपको आसानी से याद भी रहेगा काफ़ी सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा जैसे कि मुझे पता चल गया कि हाँ यार ये या ऐसा हो रहा है वो सभी में देखकर एक अलग ही ट्रेंड का पता चल जाएगा वो ट्रेंड क्या है आप समझ सकते हो तो वो सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो तो यहाँ पर आपकी इन साइट्स वगैरह इन इन साइट्स को आप समझ सकते हो और सब कुछ यही है यार फालतू की चीज़ें अब देखो यार वही चीज़ें यहाँ पर फिर से रिपीट में मैंने लिख दी थी प्रोज क्या है डेटा विजुअलाइजेशन के मतलब फ़ायदे क्या क्या है एडवांटेजेस क्या है अब ये जो है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है किसी भी तरह की ऑडियंस हो वो आसानी से समझ सकती है अब उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी देख के ही सभी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन इतना बड़ा डेटा हमें एक छोटे से स्पेस में ही पता चल जाता है ज़्यादा स्क्रीन या फिर ज़्यादा ये जो है जगह नहीं घेरती है स्पेस नहीं घेरती है काफ़ी कम जगह पर हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बढ़िया तरीका है अगर हम डेटा विजुअलाइजेशन का यूज़ करते हैं तो वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और कंपेरिटिवली कम्पेटिवली हमें टेक्स्ट के कम्पेरिजन में ये डेटा विजुअलाइजेशन ज़्यादा बैटर लगता है अब जनरल सेट मैंने कुछ टाइप्स लिख रखते हैं जैसे कि चार्ट है टेबल्स बना सकते हो ग्राफ्स बना सकते हो मैप बना सकते हो हिस्टोग्राम्स बना सकते हो हीट मैप ट्री मैप पाई चार्ट वेन डायग्राम ये सभी यहाँ पर मैंने फोटो भी लगा रखा है जिसको देखकर आप समझ सकते हो और जिनके बारे में नहीं पता उनको सर्च करके गूगल इमेजेस पर आप चेक कर सकते हो कैसे दिखते हैं पाई चार्ट मैंने अपने प्रैक्टिकल में भी आपको करके दिखा दिया और ये आपका चार्ट एरिया चार्ट है ये बार ग्राफ है जो कि आप पहले काफी बार बनाया होगा ये लाइन ग्राफ है ये फनल भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखा दिया था तो ये सब वही चीजें हैं अब बात करते हैं यहाँ पर रिग्रेशन क्या होता है तो रिग्रेशन यहाँ पर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं अब रिग्रेशन क्या होता है ये जो है सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूं तो रिग्रेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है रिलेशन निकालने की एक डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अब मतलब जैसे कि आप समझ सकते हो हमें आ, ये क्या रखे? तो जैसे कि यहाँ पर आपको बता देता हूँ जैसे हमें एरिया ऑफ सर्कल चाहिए सर्कल का एरिया हमें निकालना है तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया जैसे कि रेडियस और एरिया के बीच में हमने एक रिलेशन निकाला जो कि एक रिलेशन निकल कर आया एरिया और रेडियस के बीच में वो निकल कर आया पाई आर स्क्वायर तो अगर हमारे पास आ, पाई आर स्क्वायर में हम रेडियस दे दे तो हम एरिया निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हमारी ये चीज़ निकल कर आ गई है तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा समझाया लेकिन यहाँ पर ये इसी तरह पर काम करता है रिक्रेशन अब ये क्या करता है हम काफ़ी सारे हमारे पास डेटा होता है अब डेटा के हिसाब से हमें कुछ और चीज़ आउटपुट में चाहिए तो हम डेटा के हिसाब से चेक करते हैं कि इस वैल्यू पर हमें क्या आउटपुट मिल रहा था इस वैल्यू पर क्या आउटपुट मिल रहा था और इसी तरह से हम चेक करते करते ना काफ़ी सारे डेटा से एक यहाँ पर रिलेशन निकाल लेते हैं आ, एक वे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में अब इससे हम क्या कर सकते हैं जब हमारे पास रिलेशन आ गया तो हम फ्यूचर में कुछ भी प्रडिक्शन कर सकते हैं जैसे कि हमें किसी भी हाउस का प्राइस निकालना हो या फिर मार्केट में स्टॉक uh, वगैरह की वैल्यू क्या होने वाली है किस तरह से इस तरह से हम रिलेशन निकाल सकते हैं तो सिंपली क्या होगा हमारे पास एक वेरिएबल होगा एक्स और हमारे पास आउटपुट में जो मिलेगी वैल्यू वो होगी वाई तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है और जो आउटपुट में वैल्यू चाहिए वो हमारे पास वाई निकल कर आ गई अब यहाँ पर थोड़ा ना आपको एक पिक्टोरियली आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर ना सिंपली मैंने एक लीनियर रिग्रेशन का यहाँ पर आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें हमने क्या करा मान लो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकल कर आई कि इस वैल्यू पर हमें एक ये वैल्यू मिली ये वैल्यू मिली ये वैल्यू मिली ये वैल्यू मिली इस तरह से आप देख सकते हो एक लाइन में हमारी वैल्यू निकलती जा रही है तो हमने ना इन पॉइंट्स से मिलाकर ना एक लाइन बनाने की कोशिश करी अभी हमारे पास लाइन निकल कर आ गई तो एक हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप निकल कर आ गई है मतलब कि हमारे जो पास पुराने डेटा थे उनसे हमें ये ये वैल्यूज निकल कर आई और उन वैल्यूज़ के ना बीच में हमने साथ में मिलती जुलती एक लाइन सी क्रिएट कर दी अब इससे क्या हो गया हमारे पास एक आगे का ना रिलेशन निकल कर आ गया जिससे हम और किसी अदर वैल्यू को रखकर वो वैल्यू निकाल सकते हैं ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है तो इस तरह से एक बोल सकते हो वाईल टू एम एक्स प्लस सी वाला सा हमारा कुछ यहाँ पर रिलेशनशिप निकल कर आ चुका है अभी हमारा लीनियर भी हो सकता है ये हमारा नॉन लीनियर भी हो सकता है ऐसे इस तरह से कर्व में भी हो सकता है ये हमारा इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है तो इस तरह से हमें एक रिलेशनशिप निकाल देता है डेटा का यूज करके तो इसी तरह अब यहाँ पर थ्योरी के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जैसे वेदर फोरकास्टिंग करनी है हमें <coughs> तो हम क्या करेंगे पुराने वेदर का यूज़ करेंगे मतलब पहले के डेटा का यूज़ करेंगे कि इतनी ह्यूमिडिटी थी और इतना ये सब था तो हमारा वेदर इस तरह का निकल कर आया था इस तरह से सा काफ़ी सारे वेदर के यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करेंगे और उसके बेस पर एक एल्गोरिद्म बनाएंगे जो कि हमें बता सकता है कि इस कंडीशन में बता सकता है कि आगे क्या हमारा वेदर होने वाला है बारिश होगी या फिर नहीं होगी टेम्परेचर कैसा होने वाला है इस तरह से रिलेशनशिप जो निकल कर आई थी इनपुट और आउटपुट की तो हम उनके बीच का रिलेशन का यूज़ करके वेदर फॉरकास्टिंग कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अब देखो यहाँ पर कुछ टाइप्स भी हो सकते हैं डेटा Uh, यहाँ पर रिग्रेशन के कुछ एल्गोरिदम्स के जो कि आप सिर्फ नाम याद रख सकते हैं याद रहते हैं तो अच्छी बात नहीं रहते कोई बात नहीं तो यहाँ पर आप बात करते हैं आगे जो कि है हमारी क्लासिफिकेशन तो क्लासिफिकेशन जो है वो रिग्रेशन से थोड़ी अलग होती है और इनको थोड़ा अलग अलग समझने की कोशिश भी करना तो क्लासिफिकेशन में जो आउटपुट हमारा निकल के आएगा जैसे ही हमारा रिग्रेशन था उसमें क्या था हमारे पास कोई भी वेरिएबल वैल्यू uh, थी जो कि हमने इनपुट में डाली और आउटपुट में कुछ भी वैल्यू आ सकती है जो भी हमने डाली है लेकिन क्लासिफिकेशन में क्या होगा जो भी हमारे पास डेटा है उसमें जो आउटपुट निकल कर आएगा वो एक कैटेगरी में होगा या फिर यस yes, या फिर नो होगा ट्रू और फॉल्स होगा या फिर कुछ और हो सकता है मतलब हमारे पास एग्जाम्पल बता दूँ मेरे पास एक काफ़ी सारा कलेक्शन है कपड़ों का तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट में है कपड़े तो यहाँ पर अलग अलग कलर के रेड ग्रीन ब्लू हमारे पास काफ़ी सारे कलर हैं तो हमने सिर्फ आउटपुट में जो कैटेगरी रखी है वो है रेड ग्रीन और ब्लू तो रेड कलर से मिलते जुलते कपड़े हमने रेड में डाल दिए और ग्रीन से मिलते जुलते ग्रीन में डाल दिए और इस तरह से मिलते जुलते उसमें कर दिए मतलब आउटपुट जो है वो हमारा कुछ फिक्स होने वाला है अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बता दूँ कल बारिश होगी या फिर नहीं तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होगा वो हमारा होगी या फिर नहीं होगी तो आउटपुट में हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं उसका आउटपुट हमें पता होता है मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा या फिर आउटपुट में दो वैल्यू हो सकते हैं तीन वैल्यू चार वैल्यू जितने भी हो सकते हैं वो हमारे पता है अब देखो इसमें क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है हम पुराने काफ़ी सारे डेटा बेस देते हैं और उसकी ट्रेनिंग कराते हैं जिसके हिसाब से वो यहाँ पर उस डेटा का यूज़ करके ना कैटेगरी डिवाइड कर देता है डेटा की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में बस हमें इनपुट दो और वो आउटपुट में उस तरह से सेलेक्ट करके बता देगा कि ये वो चीज़ होने वाली है <clears throat> तो अब एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ जैसे कि ई मेल स्पैमिंग है ईमेल में आप देखेंगे जो भी स्पैम ई मेल होते हैं वो स्पैम की कैटेगरी में चले जाते हैं और बाकी जो प्रोमोशनल होते हैं वो प्रोमोशनल में और जो मेन होते हैं वो प्राइमरी में चले जाते हैं तो हम बेसिकली यहाँ पर अब तीन मान के चल रहे तीन कैटेगरी होती है और भी होती है वैसे तो, तो उसने पुराने ईमेल का डेटा कलेक्ट करा उसके यहाँ पर ट्रेनिंग करी हमने और उसने फिर पहचानना शुरू कर दिया कि यहाँ हमारे पास इस तरह के मेल को मैं स्पेम में डालूंगा और जो बाकी है इस तरह के उनको प्रमोशन में और जो मेन है उसको प्राइमरी में मैं डाल दूंगा तो अब क्या करेंगे जितने भी हमारे पास मेल आएंगे वो सिर्फ तीन ही कैटेगरी में डिवाइड होने वाले हैं जो कि हमने पहले से आउटपुट डिसाइड कर रखा है वो हो गया स्पैम हो गया प्राइमरी हो गया और यहाँ पर प्रमोशनल हो गया तो इस तरह से ईमेल मेल स्पैमिंग वाला

एक महीने में कितने व्यूज़ आने वाले हैं ये रिग्रेशन हुआ या फिर क्लासिफिकेशन हुआ आंसर नंबर टू डाल के कमेंट सेक्शन में अभी बताओ और 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 कल कल जो है इसकी कल इस कल आपका टेस्ट होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है वो नीचे कमेंट करके बताओ आप मेल हो या फिर फीमेल हो ये रिग्रेशन हुआ या फिर क्लासिफिकेशन हुआ इसके बारे में आंसर दो और आ, आ, मुझे कोई घर लेना है और उसका प्राइस मुझे पता है कि इस हिसाब से पर स्क्वायर फिट इतना प्राइस है तो उस हिसाब से उसका प्राइस कितना होगा वो एक हमारा रिग्रेशन हुआ या फिर क्लासिफिकेशन हुआ वो नीचे बताओ और कल बारिश होगी या फिर नहीं होगी ये क्लासिफिकेशन हुआ या फिर रिग्रेशन हुआ ये नीचे कमेंट करके बताओ तो थोड़ी दिमाग की एक्सरसाइज करो और जैसे आपने ये इसके आंसर दे दिए ना तो समझ लो आपको रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया और आप सब कुछ समझ गए होंगे तो अब आपने एक्सरसाइज कर ली होगी वीडियो पॉज करो काम करो जल्दी से <coughs> मजाक नहीं कर रहा जल्दी करके आओ ये कमेंट सेक्शन में आंसर देखा हो अगर आपने आंसर दे दिया तो अब आते हैं इसके डिफरेंस के बीच में इसका कंपैरिजन देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है उसी को यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख रखा है अगर आपने ये वो आंसर दे दिया तो अब इसके डिफरेंस को आप इजीली समझ पाओगे तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है हमें डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है आउटपुट में मतलब कुछ फिक्स्ड वैल्यू होती है वही हमें देखने को मिलती है लेकिन रिग्रेशन में हमें कंटिन्यूअस नेचर होता है और हमें एक रियल वैल्यू मिलती है कुछ भी हो सकती है मतलब हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लेकिन डिस्क्रीट में हमें कुछ फिक्सड वैल्यू होती है वो हमें आउटपुट में मिलती है दूसरे पॉइंट में भी कुछ ऐसी चीज लिख के इनपुट हम एक्स देंगे तो हमें वेरिएबल वाई जो होगा वो हमारा डिस्क्रीट होगा क्लासिफिकेशन में और इसमें कंटिन्यूस होगा और हम रिग्रेशन जो है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए यूज़ करते हैं उसके साथ यूज़ करते हैं और हमें इसको और क्लासिफिकेशन को हम डिस्क्रीट डेटा के साथ यूज़ करते हैं और हमें रिग्रेशन में क्या करते हैं हम बेस्ट फिट लाइन ढूंढते हैं जैसे कि मैंने वो ग्राफ दिखाया था ना उसमें पॉइंट्स थे और उसमें और एक ऐसी लाइन बनाई थी जो कि सभी से थोड़ी मिलती हुई जा रही हो एक सीधी सी लाइन बनाने की कोशिश करी थी वो हमारा रिग्रेशन था और क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम और uh, डिसीजन की जो है बाउंड्री बनाते हैं जिससे हम डिवाइड कर सके डेटा को अलग अलग क्लासेस में इसका भी मैं एक बार आपको चार्ट uh, या फिर ग्राफ टाइप दिखाने की कोशिश करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा रिग्रेशन वाला है जो कि वैसा ही है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था हम जो हमारा आउटपुट था जो हमारा वैल्यूज थी उसके हम एक लाइन बनाने की कोशिश करी थी लेकिन क्लासिफिकेशन में हम क्या कर रहे हैं वो हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर एक तरह की वैल्यू इस तरह की थी और एक तरह की हमारी वैल्यू इस तरह की थी तो हमने उनके बीच में डिवाइड करने के लिए यहां पर बीच में उनको डिवीजन में डाल दिया अगर तीन चीज़ें हैं तो हम यहाँ से ऐसा सर्किल से बना सकते हैं और इस तरह से ये हमारा ब्लू वाले को एक एक कैटेगरी में सर्किल से बना सकते हैं और इसको एक तीसरी अगर अगर और कैटेगरी होती है तो इस तरह से सर्किल में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं अलग अलग सेपरेट करते हैं लेकिन यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करते हैं मतलब एक लाइन बनाने की कोशिश करते हैं जो कि इन सभी पॉइंट से मिलकर जा रही हो ताकि रिलेशन बन पाए तो यहाँ पर रिग्रेशन का हम यूज़ करते हैं वेदर प्रेडिक्शन के लिए हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है वो हम काफ़ी सारे चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं स्पैम ईमेल को डिटेक्ट करने के लिए कैंसर सेल की आइडेंटिफाई आए, आए, करने के लिए उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल की आप डिफरेंस लिख सकते हो और यहाँ पर जो है आपका जो रिग्रेशन uh, हो सकता है वो लीनियर भी हो सकता है नॉन लीनियर भी हो सकता है जो कि मैंने बताया था एक स्ट्रेट लाइन भी बनकर आ सकती है लीनियर और नॉन लीनियर भी, भी, भी हो सकता है कर्व बन के आ सकते हैं इंक्रीजिंग भी डिक्रीजिंग भी हो सकती है और ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होगा वो बाइनरी क्लासिफिकेशन भी हो सकता है मल्टीपल क्लास भी हो सकता है बाइनरी से मतलब दो कैटेगरी में भी आउटपुट मिल सकता है यस और नो ट्रू और फॉल्स हाँ या ना इस तरह की दो कैटेगरी में भी हो सकता है या फिर मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकता है रेड ग्रीन ब्लू वाला जो एग्जाम्पल दिया था तीन कैटेगरी थी तो इस तरह से अलग अलग आउटपुट में क्लासेज हैं तो वो अलग अलग में भी हो सकता है और अभी हमारा लास्ट पेज आ चुका है तो इसके बाद हमारी यूनिट काफी जल्दी खत्म होने वाली है तो यहाँ पर है प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन आप समझ सकते हो भविष्यवाणी या फिर कुछ ये सिंपली ये गैस वाला होता है हम गैस करते हैं किसी भी चीज़ को जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता दूँ जैसे कि हवा चलती है तो फूल जो है फूल पत्ते वगैरह जो है वो गिरता है पेड़ से तो हमने ये ऑब्जर्व करा अब फ्यूचर में अगर हवा चलेगी हम फिर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस बार पत्ते गिरेंगे क्योंकि पहले जब हवा चली थी तो पत्ते गिरे थे तो इस बार भी हवा चल रही है तो पत्ते गिरेंगे तो ये इस तरह का आप समझ सकते हो अब बात करते हैं क्लस्टरिंग तो क्लस्टरिंग क्या होता है ये एक ना मेथड होता है जो कि मशीन लर्निंग के लिए हम यूज़ करते हैं और इस मेथड से क्या होता है हम काफ़ी सारी डेटा जो हमने कलेक्ट करा है उसमें सिमिलैरिटीज़ ढूंढते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप ढूंढते हैं और उनके बीच में कोई पैटर्न ढूंढते हैं और जो सिमिलर सा डेटा होता है सिमिलर से चीज़ें होती है उनको एक कैटेगरी में रख देते हैं और जो सिमिलर्स होते हैं वो अलग कैटेगरी में रख देते हैं अब ये चीज़ आप आराम से समझ रहे होंगे आपके पास Uh, काफ़ी सारे कपड़े हैं तो रेड कलर के आपने एक कैटेगरी में करके रख दिए ब्लू वाले ब्लू की कैटेगरी में करके रख दिए उनको अलग अलग कैटेगरी में करके रख दिए तो सिंपली सिंपल वर्ड में बताऊं तो क्लस्टर जो है वो हम ग्रुपिंग करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों का जो कि सेम uh, जो कि सिमिलर होते हैं उस क्लास में जैसे कि ब्लू कलर के कपड़े में जो हमने कैटेगरी में जो कपड़े डाले थे वो सभी ब्लू कलर या फिर उससे मिलते जुलते कलर थे तो ये होता है हमारा क्लस्टरिंग जो कि हम इतने सारे डेटा को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है और जो डिवाइडेड ग्रुप में जो डेटा होता है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपस में काफी सिमिलर होती है तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड होता हो सकता है एल्गोरिदम्स हो सकते हैं है। जैसे कि दो यहाँ पर मैंने लिख रखा है जो कि है एक के मीन क्लस्टरिंग और एक है आगा। आगा। हाँ तो दूसरा हो गया हमारा हाँ, हाँ हाइरो हाइरोिकल हाइरोिकल क्लस्टरिंग तो यहाँ पर जो के मीन क्लस्टरिंग जो होता है उसमें क्या होता है एक सेंट्रॉइड होता है और वहां से हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं मतलब ये पिक्चर देखो इस तरह के ग्रुपिंग को हम के मीन क्लस्टरिंग बोलते हैं और इसको आप रीड कर लेना इसका मतलब यही है जो हमारा निकल कर आया जो फोटो हम आपको दिख रहा है और हाइरोिकल जो क्लस्टरिंग होता है उसमें क्या होता है इस तरह से हम कैटेगराइज कर देते हैं फर्दर तो इस तरह से हम इसको कैटेगराइज करते चले जाते हैं और यहाँ पर जैसे ये था यहाँ पर हमने इस तरह की ग्रुपिंग करी लेकिन यहाँ पर हम फर्दर भी कैटेगराइज कर सकते हैं जैसे कि हमने रेड कलर के कपड़े हमने रेड में डाल दिए ग्रीन वाले ग्रीन के ग्रुप में डाल दिए और इस तरह के ब्लैक कलर के हमें इसमें डाल दिए लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं हम हमने कैटेगरी बनाई रेड कलर के कपड़े की और ग्रीन कलर की अब रेड में भी हमने और फर्दर कैटेगरी बना दी जो हमारे लोअर का पेंट वगैरह है वो हमने इस कैटेगरी में डाल दिया जो टॉप में हम पहनेंगे वो हमने इस कैटेगरी में डाल दिया टॉप में भी हमने डिवाइड कर दिया ये शर्ट है और इसमें भी डिवाइड कर दिया ये हमारी टी शर्ट है और टी शर्ट में भी हमने डिवाइड कर दिया ये पोलो टी शर्ट है ये वी नेक में है ये राउंड नेक में है इस तरह से हमने और फर्दर कैटेगराइज कर दिया तो ये हमने दो तरह के क्लस्टरिंग का क्लस्टरिंग एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल्स है आपको को करने की कोशिश करी है अब एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है क्लस्टरिंग के तो यहाँ पर रियल लाइफ यहाँ पर एग्जाम्पल या फिर एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी ये कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर सेल हम उसको भी कैटेगराइज कर सकते हम सेल देखेंगे कौन कौन से हैं और फिर उनको डिवाइड कर देंगे कि जो कैंसर वाले सेल है वो एक जगह डाल देंगे डेटा में जो नॉन कैंसर वाले सेट है वो उसको सेल्स हैं उनको एक अलग ग्रुप में डाल देंगे बायोलॉजी में हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि प्लांट और एनिमल की स्पीसीज़ को हम इमेज रिकॉग्निशन का यूज़ करेंगे और फिर हम चेक करेंगे ये प्लांट जो है वो किस कैटेगरी में जिस कैटेगरी में उसमें डाल देंगे किस स्पीसीज़ में ये आता है उसमें डाल देंगे तो अलग अलग ग्रुप बना देंगे हम इस तरह से बायोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं कस्टमर को सेगमेंटेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं मतलब हम रिसर्च करेंगे डेटा कलेक्ट करेंगे फिर हम कस्टमर को भी डिवाइड कर सकते हैं उनकी चॉइस और उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जिसको भाई आ, अलग अलग हिसाब से करते हैं जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है उसको एक अलग ग्रुप में आ, डाल देंगे हम जैसे हम के के वाला क्लस्टरिंग था हमारा के मैप क्लस्टरिंग वाला तो वहाँ पर उसमें हमने डाल दिया और जिसको फैशन में इंटरेस्ट है उसको फैशन वाली कैटेगरी में डाल दिया इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं और फिर उस डेटा का यूज़ करके जब हमें उन्हें कुछ चीज़ें सर्व करनी होगी या फिर एड्स सर्व करना होगा तो टेक्नोलॉजी वाले को टैक्स से रिलेटेड यहाँ पर हम ऐड दिखाएंगे और फैशन वाले को फैशन से रिलेटेड एड्स वगैरह दिखाएंगे लाइब्रेरी में इसमें हम यूज़ कर सकते हैं टॉपिक और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि इस तरह के टॉपिक को हम इस कैटेगरी में रख देंगे और ग्रुपिंग वगैरह कर सकते हैं तो ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी इजीली और आसानी से समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं रिकमेंडर सिस्टम की तो आपको रिकमेंडेशन जगह जगह देखने को मिलती है चाहे वो आप ओ टी प्लेटफॉर्म पर कोई सीरीज़ या फिर वेब शो देख रहे हो यूट्यूब पर कोई वीडियोस देख रहे हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग वगैरह करो अलग अलग रिकमेंडेशन देखने को मिलती है जैसे आप शॉप करते हो अगर जैसे कि मैंने एक कोई मोनीटर खरीदा तो मोनीट मान लो मैंने एक माउस ख़रीदा जैसे कि मैं कोई माउस खरीद रहा हूँ जैसे कि अमेजोन डॉट इन से मैं कोई माउस खरीद रहा हूँ तो वो नीचे रिकमेंडेशन कर देता है कि इस माउस के साथ जो है लोगों ने इस कीबोर्ड को भी साथ में बाई करा है तो उसने मुझे रिकमेंडेशन दी उसने प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग के जिसने ये माउस खरीदा उसने भी उसने साथ में ये कीबोर्ड भी ख़रीदा था तो उसने मुझे भी बताया कि जो जो इस माउस को ख़रीदते हैं वो साथ में इस कीबोर्ड को भी खरीदते हैं तो आप इसको भी साथ में ख़रीद सकते हो और इसी तरह आप अगर <coughs> टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखते हो तो आपको यूट्यूब पे रिकमेंडेशन जो वो टैक्स से रिलेटेड वीडियोस का मिलेगी और इंस्टाग्राम पर अगर आप फ़ैशन से रिलेटेड पोस्ट वगैरह देखते हो उनको इंगेजमेंट आपकी हाई रहती है उसमें कमेंट और लाइक्स वगैरह की तो आपको जो एक्सप्लोर वाला पेज होगा उसमें आपको फ़ैशन से रिलेटेड ही पोस्ट और वीडियोस वगैरह रील्स वगैरह देखने को मिलती हैं तो ये हमारा रिकमेंडर सिस्टम हो गया अब ये जो है आपको समझ में आ गया होगा ये बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा है कि ये एक तरह का सिस्टम होता है जो कि डिजाइन करा जाता है चीजों को रिकमेंड करने के लिए यूजर को और वो अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है और जो कि आजकल नेटफ्लिक्स एमेज़ोन वगैरह ये सब यूज़ करते हैं ये सब वही चीज़ें लिखी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है अब इससे क्या होगा ना जब आप इस नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो सब चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन सब कुछ समझ में आती रहेगी क्योंकि मैं नोट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ तो अगेन आपको रिमाइंड कर दूँ नोट्स जो है वो कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने पिन कर दिया कमेंट सेक्शन में जाना सबसे ऊपर लिंक मिलेगी क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेना फ्री में और इसके लिए मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ वीडियो को लाइक कर देना यार इसी से ही सब कुछ होता है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना आपको और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और रिलेटेड वीडियोस मिलने वाली है और अगर आपको कोई और डाउट वगैरह होता है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डी वगैरह करके भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब यहाँ पर बात करते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं रिकमेंडर सिस्टम के तो यहाँ पे बेनिफिट्स जो है वो आपको पता ही है यार यूज़र को जो मिल रहा है स्क्रीन पर वो जो है वो उसके इंटरेस्ट के बेस पर मिल रहा है तो इससे काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है मोस्ट रिलेवेंट चीज़ें यूज़र को देखने को मिलती है पर्सनलाइज्ड चीज़ें देखने को मिलती है और उसकी जो वेबसाइट है या फिर जो भी चीज़ है उस पर जो है इंगेजमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है मतलब लोग जो है वो काफ़ी देर तक रुके रहते हैं जैसे कि आप रील्स वगैरह देखते हो तो वहाँ पर काफ़ी देर तक उसमें लगी रहते हो क्योंकि उसमें आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें आती रहती है अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ें नहीं आ रही है आपको भाई कोई मैथ्स की वीडियो दिखा रहा है आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप तो छोड़ के भाग जाओगे लेकिन आपको कोई इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रील्स वगैरह देखने को मिल रहा है तो आप कंटिन्यूसली उसको देखते चले जाते हो तो ये इंग्लिशमेंट को इम्प्रूव करता है <coughs> तो ब्रॉडली दो टाइप्स के दो मेथड्स हो सकता है रिकमेंडर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए एक तो हो सकता है कंटेंट बेस्ड रिकमेंड रिकमेंडेशन और यहाँ पर दूसरा हो सकता है कोलेबरेटिव फिल्टरिंग रिकमेंडेशन सिस्टम तो यहाँ पर कंटेंट बेस्ड में क्या होता है यहाँ पर जो है यूज़र है और जो वो चीज़ देख रहा है जैसे कि हम मूवीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं अगर कोई मूवी देख रहा है तो यहाँ पर वो देखेंगे कि भाई इस बंदे को इस टाइप की मूवीज़ पसंद है तो नेक्स्ट टाइम जब उसी टाइप की उसी जॉनरे की मूवी वगैरह रिलीज होगी उसको थ्रिलर पसंद है तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई नई थ्रिलर मूवी आएगी तो वो उसको रिकमेंड करेगा कि ये भी थ्रिलर मूवी है ये शायद आपको पसंद आएगी तो यहाँ पर ये कंटेंट के बेस पर जो है यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन देगा तो वो चेक करेगा इस कंटेंट में क्या वो वो चीज़ें हैं जैसे कि उसमें थ्रिलर है या फिर नहीं और अगर आपको किसी एक्टर की मूवीज़ पसंद है वो चेक करेगा कि उस एक्टर की मूवी है या फिर नहीं तो फिर उसी के पुराने आपकी हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर बताएगा और कोलेबरेटिव फिल्टरिंग का क्या होगा यहाँ पर क्या करेंगे ये काफ़ी सारे पुराने काफ़ी सारे डेटा का यूज़ करेंगे काफ़ी सारे यूजर्स का डेटा कलेक्ट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें देखते हैं क्या क्या चीज़ें पसंद है अगर वो किसी आपको भी थ्रिलर पसंद है और बाकी जो यूजर्स हैं उनको भी थ्रिलर पसंद है आपने कोई एक मूवी देखी उसने भी वही मूवी देखी अब वो देखेंगे कि उस मूवी को उसने भी उसने जब देखा था सेम मूवी आप दोनों ने देखी तो पहले जो यूज़र्स थे जिन्होंने वो मूवी देखी उन्होंने और कौन कौन सी मूवीज़ देखी उनको किस किस चीज़ में इंटरेस्ट आया तो वही मूवी जो उनको पसंद आई थी वही आपको फिर रिकमेंडेशन में देगा कि ये मूवीज़ आपको शायद पसंद आ सकती है तो इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं यूजर यूज़र कोलेबरेटिंग और आइटम आइटम कोलेबरेटिव तो यहाँ पर तो यूज़र का कोलेब्रेशन होगा यूज़र के इंटरेस्ट के हिसाब से दिखाएगा जो आपके जैसे यूज़र है उनको कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई है उसी तरह से वो आपको सजेशन देगा और आइटम आइटम में क्या होगा जो आइटम सिमिलर होंगे यहाँ पर यूज़र कंसिडर नहीं करा जाएगा सिमिलर आइटम कंसिडर करे जाएंगे और वो आपको रिकमेंडेशन में देगा अब देखो ये हमारी यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है और इसकी ई बुक भी काफ़ी जल्दी मैं आपको देने वाला हूँ और जो आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे ये जैसे आपको देखने को मिल रहा है ये ऐसे ही देखने को मिलेंगे लेकिन जो ई e बुक होगी वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहेगी उसमें कुछ डेफिनेशन हो सकता है शायद चेंज कर दी जाए कुछ और कंटेंट ऐड कर दिया जाए तो वो टाइम टू टाइम चेंजेस उसमें देखने को मिलेंगे और अपडेटेड वर्जन देखने को मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट वर्जन देखने को मिलेंगे पुराना वर्जन भी देखने को मिलेगा नया भी लेकिन जो नोट्स के हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन कराया तो इसमें मैं चेंज कर दूंगा अपडेट करके आपको दूंगा तो वो शायद आपको समझ में समझने में प्रॉब्लम होगी तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर पिन करे हुए हैं इसको डाउनलोड कर लेना लेकिन जो इसकी बुक e होगी उसमें आपको सब कुछ अपडेटेड देखने को मिलेगा टाइम के साथ और चीज़ें सब कुछ चेंज होकर उसमें आपको सही चीज़ देखने को मिलेगी ये यूनिट आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना जितना ज्यादा लाइक होंगे मुझे पता चल जाएगा और उतनी जल्दी इसकी नेक्स्ट यूनिट की भी मैं वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा फिलहाल कमेंट करके बता देना कोई डाउट होता है और इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पूछ सकते हो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में